नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार के साथ साथ परिवार वालों के लिए खाना मुहैया कराने का भी बड़ा संकट था। ऐसे में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत देने की घोषणा की। घोषणा के मुताबिक सभी प्रवासी मजदूरों, चाहे जिनके पास राशन कार्ड हो या ना हो, उन्हें मई से जून महीने के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराने की बात कही गई। केंद्र सरकार ने तय किया कि घर लौटे सभी प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज और 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए 8 लाख मीट्रिक टन अनाज आवंटित किए, लेकिन केंद्र सरकार के आंकड़ों से पता चला है कि केंद्र ने जो अनाज राज्यों को मुहैया कराए, उनमें से राज्य मुश्किल से 13% अनाज ही बांट पाए। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11 तो ऐसे निकले जो 1% अनाज भी नहीं बांट सके हैं। आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख मीट्रिक टन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने महज 13% जरूरतमंद मजदूरों को ही केंद्र से मिले इस अनाज का बंटवारा किया है। देश में 2.13 करोड़ मजदूरों को ही ये अनाज मिल सका, जिसमें मई में 1.21 करोड़ और जून में सिर्फ 92.44 लाख मजदूरों तक ये मुफ्त अनाज पहुंच सका। यूपी को केंद्र सरकार की तरफ से 1,42,033 मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया था, जिसमें प्रदेश ने 1,40,637 मीट्रिक टन उठा लिए हैं, लेकिन मई महीने में 4.39 लाख जरूरतमंदों और जून महीने में 2.25 लाख लोगों तक मात्र 3,324 मीट्रिक टन अनाज पहुंचाया गया है। यानी अब तक मात्र 2.03% अनाज का ही आवंटन हो सका है। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी अपने कोटे का 86,450 मीट्रिक अनाज उठा लिया है, लेकिन अब तक केवल 3.68 लाख जरूरतमंदों तक 1,842 मीट्रिक टन अनाज का ही खपत हो सका है। यानी मात्र 2.13% अनाज ही बांटा जा सका है। ये आंकड़ा मई महीने का है। जून महीने में किसी को अनाज अभी नहीं दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।